तो जी हाँ दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से स्वागत है। मैं शिवाजी सर के द्वारा अगला वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बेहतर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए। ठीक, तो मैं आज का जो टॉपिक है यूपी स्पेशल से कुछ चीज़ें को बताना चाहूँगा। ठीक, यूपी स्पेशल में ध्यान दीजिएगा, मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो ये यूपी स्पेशल का मतलब ये हो गया कि यूपी स्पेशल से कुछ टॉपिक अलग अलग होते हैं, उनको मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो ये जो टॉपिक है वो है जनगणना। ठीक, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो जनगणना टॉपिक है ये मैं बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एक से दो नंबर किसी ना किसी परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी का हो, ठीक, या BDO का हो, या UPP हो, या लेखपाल हो, यानी कि जो भी उत्तर प्रदेश संबंधी परीक्षाएं होती हैं उसमें लगभग ये सारे इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो आज का ये जो वीडियो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। इस जितने भी टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसको अधिक से अधिक आप देखिए, याद कीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसका मैं 100 में 100% दावा कर सकता हूँ। ठीक, आगे जो जनगणना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनगणना की मतलब कितनी है, कौन कौन प्रदेश जिले जनगणना में सबसे आगे हैं, कौन पीछे है, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व तो क्या, इन सब चीज़ों पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, तो आगे का जो टॉपिक है जनगणना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जनगणना की शुरुआत भारत में मैं उठाना चाहूँगा, शुरुआत से ही भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक, 1872 में जो पहली बार जनगणना हुई थी उस समय भारत का जो वायसराय लॉर्ड रिपन थे, भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, ठीक, जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये भारत के सबसे लोकप्रिय वायसराय भी रहे। ठीक, तो यानी 1872 में पहली बार जो जनगणना हुई थी, वो अस्थाई थी। कैसी थी? अस्थाई थी। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार अस्थाई जनगणना कब हुआ, तो 1872 कब हुआ, 1872 जो अस्थाई था, यानी नियमित रूप से ये नहीं कहा गया कि जनगणना इतने साल पर होगा। ठीक, अगर अब देखा जाए जो अस्थाई जनगणना पहली बार, मतलब भारत में पहली बार जो अस्थाई जनगणना होता है वो 1881 में होता है। 1881 में पहली बार जनगणना, अस्थाई जनगणना 1881 में होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार अस्थाई जनगणना कब किया गया, तो 1881 जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, यानी भारत में पहली बार 1872 में जनगणना हुआ लेकिन असफल रहा। दूसरी बार जो 1881 में जनगणना होता है इसमें यह कह दिया गया कि अब जनगणना प्रत्येक 10 साल पर किया जाएगा, इसीलिए इसको नियमित जनगणना, यानी नियमित जनगणना की शुरुआत जो माना जाए तो 1881 में भारत से होती है। ठीक, अब भारत में 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है, जिसमें आगे मैं बताना चाहूंगा कि जनगणना जो संघ सूची में आता है, यानी क्वेश्चन बनता है कि जनगणना का वर्णन किस सूची में, तो संघ सूची में। यानी ध्यान दीजिएगा कि जनगणना किसी प्रदेश की नहीं होती है, जनगणना भारत की होती है, और भारत की जब जनगणना आती है तो उसमें अलग अलग प्रांतों को बताया जाता है। यानी क्वेश्चन बनेगा कि जनगणना संविधान के किस सूची में, तो संघ सूची में। ठीक, अब आगे आते हैं। ठीक, तो हम आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे जनगणना 2011, यानी 2011 में जनगणना या जनसंख्या की दृष्टि से क्या स्तर रहा उत्तर प्रदेश और भारत का, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा, साथ ही भारत की जो चीज़ें उसको कोरिलेट कर लूँगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है, ठीक, तो उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार जो जनगणना थी, जनसंख्या उत्तर प्रदेश की थी 19,98,12,341, यानी उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या जो थी है 2011 जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 जो ये जनगणना उत्तर प्रदेश की 2011 के अनुसार। देखिए जब भी क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, तो आप बेहतर तरीके से मैं बता देना चाहता हूँ कि
19 करोड़ 98 लाख 12 हज़ार 341 करोड़, यानी 341 करोड़। ठीक, तो इसको आप याद कर लेंगे बिल्कुल जैसे मोबाइल नंबर याद किया जाता है, 19 98 12 341 याद कर लीजिएगा। ठीक, यानी भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितना है, तो 19 98 12 341। ठीक, आगे आते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला स्थान है। भारत में कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान। क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश, यानी आबादी और जनसंख्या दोनों एक ही होता है। ये कन्फ्यूजन पॉइंट हो सकता है आपके। देखिए, जनसंख्या और आबादी दोनों बात एक ही होती है। देखिए, जब क्वेश्चन बनेगा कि बड़ा करके जब भी क्वेश्चन बनता है तो आप समझिएगा कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब आबादी शब्द जोड़ देगा तो आप समझिएगा क्या बताएंगे, जनसंख्या पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन जब बन जाए कि भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। और सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, सिक्किम। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, सिक्किम है। ठीक, तो ये सब चीज़ें थोड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होते हैं, इसको बेहद तरीके से देखिए। आपके परीक्षा में एक आसान क्वेश्चन आपको धराशाही कर सकता है, इसलिए आसान क्वेश्चन को गलत मत कीजिए। ठीक, अब आते हैं, यानी पहला स्थान, लेकिन उत्तर प्रदेश का विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो पांचवां स्थान है। यानी विश्व में उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो पांचवां स्थान है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, आगे आते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, कितने स्थान पर, तो पहले स्थान पर, तो एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। देखिए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, यानी सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। ये जरूर याद रखिएगा, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल। तो एक ट्रिक हम देना चाहेंगे कि यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर। ठीक, यानी यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, मारा मतलब महाराष्ट्र, बिहारी मतलब बिहार, और गाल मतलब पश्चिम बंगाल। बेहद लॉजिक टॉपिक, बेहद ट्रिकी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ताकि आपका पूरे लाइफ भर इसको भूलेंगे नहीं। ठीक, आगे चलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, और चौथा पश्चिम बंगाल। अगला जो टॉपिक होगा, बेहद इंपॉर्टेंट का टॉपिक चलता हुआ, आज इस हिंदी सीखे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं शिवाजी यादव के द्वारा जनगणना उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। ठीक, आगे आते हैं, जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश कितने स्थान पर है, या उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 829। ठीक, अब देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से चौथे स्थान पर, कितने स्थान पर, चौथे। देख लीजिए, पहले स्थान पर बिहार, इसको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा। उसके बाद बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक, यानी बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर केरल, और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश। ठीक, इसको ट्रिकी माध्यम से अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बिग बैंग, यानी एक बिग बैंग का थ्योरी है। ठीक, और के, यानी बिग बैंग के यूपी का, बिग बैंग के यूपी का सिद्धांत, यूपी का सिद्धांत, यानी क्वेश्चन बन सकता है। यानी ध्यान दीजिए, ट्रिकी माध्यम से बिग बैंग, यानी बिग, बी से बिहार, बैंग से पश्चिम बंगाल, के से मतलब केरल, और यूपी मालूम है, यानी बिग बैंग के सिद्धांत यूपी का है, यानी बिग बैंग के सिद्धांत यूपी का है, यानी इसको ट्रिकी माध्यम से याद रख लीजिएगा, बिग बैंग के
बिग बैंक के यूपी का सिद्धांत है, ठीक, यानी बी से बिहार हो जाएगा बैंक से पश्चिम बंगाल, के से केरल और यूपी, मतलब यानी कहने का मतलब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला राज्य बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल, चौथा उत्तर प्रदेश है, ठीक। आगे इसी क्रम में चलते हैं, यानी उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 829, भारत का जनसंख्या घनत्व 382, ये भी याद रखिएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382, ठीक। अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बेहद लॉजिक टॉपिक, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक, कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, ठीक। तो जनसंख्या घनत्व सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि एक वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसी को हम जनसंख्या बोलते हैं, यानी एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक। आगे निकलते हैं, आगे चलते हैं, आगे लिंगानुपात, लिंगानुपात, ठीक। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितने पुरुष पर, 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं होती है उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 और यूपी का लिंगानुपात 912, ये जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 912 उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है 912। अगर इसको याद करना चाहेंगे इसको भी उल्टा बना दीजिए, जैसे मान लीजिए ये 9 स्तर बनता है तो आप पी ऐसे बना सकते हैं, लॉजिक समझने के लिए ये ऐसे जोड़ दिए तो ये हो जाता है, ठीक। यानी अगर ऐसे अगर आपको समझना है तो यानी इसी संख्या में आपका आंसर छिपा हुआ है, अगर इसको सेट करना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम उल्टा करते हैं। देखिए ये आपका 912 है, ठीक। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक, इसको 2-1 ऐसे कर दिए, ठीक, इसको जब हम मिला देंगे, ठीक, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो गया यू और ये हो गया पी, यानी 912 किसका लिंगानुपात है, तो उत्तर प्रदेश का, किसका लिंगानुपात है, उत्तर प्रदेश का। शायद मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि ऐसा शायद किसी चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, फिलहाल इस समय लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का 912, भारत का 943 है, ठीक। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या के बारे में बताएंगे, यानी किस राज्य में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, किसकी सबसे कम है, तो इन बातों को थोड़ा गौर करेंगे, ठीक। यानी जिला वाइज जनसंख्या, ठीक, यानी इसमें एक क्वेश्चन बता कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उस सब चीज़ों को देखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे, पेन और कापी पास में रख लीजिए और लिखते रहिए क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत कम मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का यूपी का सबसे अधिक जनसंख्या वाले लिख लीजिएगा, जनसंख्या वाले जिले, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बहुत शानदार लॉजिक देने जा रहा है, शायद आपको आज तक किसी चैनल के माध्यम से नहीं मिला होगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक है, देखिए हम जनसंख्या को क्या मानते हैं, आबादी, क्या मानते हैं, आबादी, क्या मानते हैं, आबादी, यानी जनसंख्या को आबादी कह सकते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिला कौन कौन है, इलाहाबाद, ठीक, मुरादाबाद, ठीक, गाजियाबाद, तीन स्थानों तक मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ और इससे बाहर नहीं बनेगा क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन बनता है तो पहला का पूछ देगा बहुत बनेगा तो दूसरा पूछ सकता है या क्रम इधर उधर कर सकता है, ठीक। आगे आते हैं, देखिए इलाहाबाद, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इलाहाबाद अमरुदी, जो इलाहाबाद क्वेश्चन, जैसे लोग नहीं कहते इलाहाबादी अमरुद है, इलाहाबादी अमरुद है, यानी यहाँ पर ई लगा दीजिए, यहाँ पर ई लगा दीजिए और यहाँ पर ई लगा दीजिए, यानी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इलाहाधन आबादी, ठीक, और इसमें भी मुरादधन आबादी, इसमें भी गाजियाधन आबादी, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द में आबादी शब्द जुट जाए या आबाद शब्द जुट गया जिस जिले के साथ, वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। आपका एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण हम दे रहे हैं कि इलाहाबाद के अंत में बादी,
या इन्हीं वहाँ के निवासियों को इलाहाबादी बोला जाता है, मुरादाबाद के निवासियों को मुरादाबादी बोला जाता है, गाजियाबाद के निवासियों को गाजियाबादी बोला जाता है, ठीक। तो इस स्तर से आप याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस जिले के अंत में आबादी शब्द होगा वहाँ ध्यान दीजिएगा वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक होगी। निश्चित रूप से ऐसा तरीका किसी चैनल के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, मैं इसका दावा कर सकता हूँ, ठीक। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो इलाहाबाद में सबसे, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है, तो महोबा, चित्रकूट और हमीरपुर। महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा लोग नहीं बोलते हैं बहुत महोबा, लोग कहते हैं ना कि संतान से बहुत महोबा, यानी वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की जनसंख्या कम है, ठीक। अब कम है यानी महोबा, ठीक, यानी महोबा चित्र है, उसके बाद हमीर है, ठीक। यानी कह सकते हैं कि महोबा का चित्र बहुत ही अमीर है, महोबा का चित्र कैसा है, बहुत ही अमीर है। यानी महोबा हो जाएगा चित्र से चित्रकूट, हो जाएगा हमीर से हमीरपुर, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा, उसके बाद चित्रकूट, उसके बाद हमीरपुर, ठीक। आगे चलते हैं, यानी ये सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले रहे और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था, ठीक। उसके आगे आते हैं, लिंगानुपात, यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन कौन है, लिंगानुपात, ठीक। देखिए सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक, नोट करते रहिए, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला, वाले लिख लीजिए, वाले जिले, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक। देखिए जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, यानी एकदम 72, आप देवरिया से यदि बिलोंग करते होंगे तो मैं बता देना चाहता हूँ 72 ट्रिक के माध्यम से, आज तक आपने नहीं सुना होगा जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ, जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। यानी यदि आपको जौनपुर जाना है तो देवरिया से कहाँ जाते हैं, आजमगढ़, और आजमगढ़ के बगल में ही कौन है, जौनपुर है, ये ध्यान दीजिए। बस अपने ज़िला से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे, आजमगढ़, आजमगढ़ से कहाँ जाएंगे, जौनपुर। यानी सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ और तीसरे स्थान पर देवरिया। यानी देवरिया के निवासियों के लिए मैं बता दूं कि देवरिया जो है वह लिंगानुपात में तीसरे स्थान पर है, जौनपुर पहले स्थान पर है, ठीक। आगे चलते हैं, यानी यह सबसे अधिक लिंगानुपात वाले जिले रहे, ठीक। उसके आगे सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बेहतर तरीके से बताना चाहूँगा कि सबसे कम लिंगानुपात, यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, तो 912, भारत का लिंगानुपात 943, भारत और उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में केवल 23 का अंतर है, ठीक। आगे गौतम बुद्ध नगर, यानी लिंगानुपात सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, ठीक। अब देखिए कहा जाता है, कभी कभी पढ़े लिखे जो लोग होते हैं कभी कभी गलती कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, कि सबसे अधिक, ये सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर है जो, जिसका लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा, कहाँ है, नोएडा, ये भी याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ है, नोएडा, ठीक। यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक। आगे चलते हैं, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि एक से एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने हम आए हैं, ठीक। आगे चल रहे हैं, अगला जो टॉपिक होगा साक्षरता,
ठीक, साक्षरता यानी उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितने, पहले इस बात को जानेंगे तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है 67.68 यानी 67-68 ऐसे याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है 67-68। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश के जो पुरुष हैं, बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, उत्तर प्रदेश के जो पुरुष हैं महिलाओं से पढ़ने में क्या है 20 है। उत्तर प्रदेश प्रदेश के जो पुरुष हैं महिलाओं से पढ़ने में क्या है 20 हैं। ठीक, यानी पुरुष साक्षरता 77% कितना है 77% और महिला साक्षरता बिल्कुल याद रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं, महिला साक्षरता 57%। दोनों के बीच का अंतर देख लीजिएगा, 77 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा 20% अधिक कौन हो रहा है पुरुष, यानी उत्तर प्रदेश के पुरुष महिलाओं से 20 हैं किस क्षेत्र में, तो साक्षरता के क्षेत्र में। इसको बिल्कुल बाई कॉन्सेप्ट के साथ याद रखें, उत्तर प्रदेश की साक्षरता 67-68, उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता 77%, महिला साक्षरता 57%। आगे चलते हैं, जहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए कि साक्षरता के मामले में भारत का परसेंटेज कितना है, तो 73% है, यानी भारत की साक्षरता 73% है। ठीक, आगे चलते हैं, साक्षरता में यानी कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षरता में सबसे अधिक आगे है इसको देखा जाएगा, यानी अधिक साक्षरता वाले जिले, अधिक साक्षरता वाले जिले, अधिक साक्षरता वाले जिले। ठीक, अधिक साक्षरता वाले जिले, ध्यान दीजिए मैं बेहद कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहा हूँ। मैं अभी अब बता दूँ कि ऐसा कोई बताया नहीं होगा आपको। देखिए, एक कहावत होता है कि गांव में जो गंवार लोग रहते हैं, गांव में कौन रहते हैं गंवार लोग, यानी गंवार, गंवार शब्द से ही क्या बना ग्राम बना, ध्यान दीजिएगा, गंवार शब्द से ही क्या बना, गंवार शब्द से ग्राम बनता है और नागर शब्द से नगर बनता है। यानी कहने का मतलब ये होता है कि पढ़े लिखे लोग अधिक कहाँ रहते हैं नगर में रहते हैं और कम पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं गांव में रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, कौन है गौतम बुद्ध नगर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है वो है कानपुर नगर, कानपुर नगर, बेहद टी के माध्यम से मैं बताना चाहूँ, बाई कॉन्सेप्ट के साथ बताना चाहूँ, पूरे जीवन भर लाइफ भर नहीं भूलेंगे और जीवन भर की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के दौरान आपको दिमाग में बहुत तेजी से दौड़ेगा, बनेगा कि शिवाजी सर के द्वारा बताया गया कि नगर में केवल बुद्धिजीवी रहते हैं, पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं, इसलिए सबसे अधिक साक्षरता कहाँ होगी गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद सबसे अधिक कहाँ होगी कानपुर, यानी पहले स्थान पर आपका गौतम बुद्ध नगर, दूसरे स्थान पर आपका कानपुर। ठीक, आगे आते हैं, सबसे अधिक साक्षरता वाले जिले हो गए, उसके बाद यानी सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर। ठीक, उसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है श्रावस्ती, ठीक, पिछड़ा हुआ जिला है। ठीक, यानी बस्ती, यानी बस्ती जहाँ अधिक रहती है वहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक, आगे आते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जिला, यानी सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन कौन है, ठीक, इसको देखा जाएगा। ठीक, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, ठीक, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश किसके पास है, तो गाजियाबाद किसके पास है, तो दिल्ली के पास में, और इसलिए जब दिल्ली के पास में है, ठीक, तो दिल्ली जो है आपके भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, और पूरे भारत में अगर केवल केंद्र शासित प्रदेश को भी जब शामिल कर लिया जाता है तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है दिल्ली में। ठीक, तो इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो गाजियाबाद, क्योंकि यह किसके पास है दिल्ली के पास है, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक, इसको दिल्ली का बच्चा भी बोला जाता है। ठीक, अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व अगर देखा जाए तो ललितपुर, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो ललितपुर है, क्योंकि यह ललितपुर जो है मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है और एक बहुत पीछे इलाके में जामन लोग बहुत कम लोग निवास करना पसंद करते हैं। ठीक, साथ ही बता दें कि भारत में सबसे कम
जनसंख्या घनत्व वाला जो प्रदेश है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। ठीक, आगे चलते हैं इसी के साथ। ठीक, आगे आते हैं, हम बताना चाहेंगे सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है। तो सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद में सबसे अधिक ग्रामीण लोग निवास करते हैं। ठीक, अभी बताया मैं ट्रिक के माध्यम से, जो बताया उसको बेहद तरीके से बताया, याद रखिएगा। ठीक, जिसको इलाहाबादी भी बोल सकते हैं, यानी इलाहाबाद में सबसे कम सबसे अधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। और सबसे अधिक सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो आपकी है गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक, आगे इसके आगे चलेंगे तो जो अनुसूचित जनजात और अनुसूचित जात, यानी उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात दोनों पाई जाती है। ठीक, तो अनुसूचित जात जिसको अनुसूचित जाति, ठीक, तो अनुसूचित जाति जो देखा जाए तो सबसे अधिक, देखिए एकदम बाई कॉन्सेप्ट के सारे आपको मैं बताना चाहूँगा। ठीक, कि अनुसूचित जात सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो सीतापुर, सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, सीतापुर, यानी ये आप अगर ट्रिकी माध्यम से समझना चाहते तो सीता, माता सीता स्वभाव के बहुत कोमल थी, इसलिए जो छोटे वर्ग के लोग थे तो इसलिए कहाँ निवास किए, तो सीतापुर में। ठीक, और सबसे कम यानी सबसे अधिक, देखिए अधिक अनुसूचित जाति है। ठीक, और सबसे कम यानी कम अनुसूचित जात बागपत, यह ध्यान दीजिएगा कि जो बागपत वाले लोग हैं बगावत कर गए किसके खिलाफ, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ। यानी कहने का मतलब है कि सबसे कम अनुसूचित जात कहाँ पाई जाती है, तो बागपत, क्योंकि बागपत वाले क्या कर गए, बगावत कर गए किसके खिलाफ, तो अनुसूचित जातियों के खिलाफ। ठीक, उसके बाद अनुसूचित जनजाति जो है वह सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो सबसे अधिक देखा जाए सोनभद्र कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र। मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो सोनभद्र में पाया जाता है, और अनुसूचित जनजाति जो होती है उस इलाके में सबसे अधिक रहना पसंद करती है जहाँ पर जंगल वन अधिक होते हैं। ठीक, और सबसे कम यानी अब देखिए यह कॉन्सेप्ट के साथ, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो पाई जाती है वो बागपत, यानी कहने का मतलब सीधा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि बागपत वाले लोग क्या कर गए, बगावत किसके खिलाफ, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के खिलाफ। ठीक, इलाहाबाद मुरादाबाद गाजियाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर आबादी अधिक है। ठीक, इन सब कॉन्सेप्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने टॉपिक को विराम करता हूँ, और इसी के साथ नमस्ते, धन्यवाद आप सभी का।